रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर आगरा शिवसेना जिला प्रमुख बीनू लवानिया ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद अब लखनऊ में रविवार सुबह रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने के बाद जला दी गयी। सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारेबाजी की। इसी के चलते बीनू लवानिया ने अपने कार्यालय पर दर्पण न्यूज से बातचीत में कहा कि जो पठान मूवी इतने बड़े आंदोलन चला रहे थे, वह धर्म के ठेकेदार अब कहाँ हैं? जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं और तुलसीदास पर आपत्तिजनक चौपाई लिखे जाने की बात कर रहे हैं, उन पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के ठेकेदार शांत हैं। देखिए, आज जो वर्तमान में रामचरितमानस की प्रतियों को लेकर बवाल मचा हुआ है, ये सिर्फ स्वार्थी लोग का काम है और अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार रामचरितमानस का प्रकरण सामने आया, यह प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर व अन्य चीज़ों को लेकर ये उत्पन्न की गई, उसी का परिणाम रहा एक तुच्छ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस के ऊपर अपनी बात कहना, उनकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतियों को जलाना, यह हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत आहत का विषय है। क्योंकि रामचरितमानस भगवान राम की बात करने वाली, राम की कथा है, भगवान राम का चरित्र है, उसकी प्रतियों को जलाने का मतलब यह है कि यह लोग हिंदू नहीं हैं, किसी और अंश से पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस विचारों को लेकर, इन प्रतियों को जलाने को लेकर भ्रांति के बयान दे रहे हैं और इस बात को उछाल रहे हैं कि रामचरितमानस का ये प्रतियां जलाई गई हैं। शिवसेना इसका पूर्णतः विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी व अन्य लोग जो भी इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, वह समझ लें कि आप हिंदुत्व देश के प्रति, भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति आपकी भावना अच्छी नहीं है। और शिवसेना चेतावनी देने आती है कि इस प्रकार की घटनाएं कभी भी किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या किसी अन्य दलों ने करी तो शिवसेना सड़क पर आकर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ताजनगरी आगरा से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।